अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों हाल ही में मैंने कराची से लेकर मीटिंग रेलवे स्टेशन तक रेल फैनिंगी गढ़ से एक छोटा सा सफर किया था, जो कि था कराची और मीरपुरखास के दरमियान चलने वाली 151 अफशा लतीफ एक्सप्रेस में। और इस सफर को मीटिंग रेलवे स्टेशन पर खत्म करने के बाद हम लोग नाश्ते के लिए स्टेशन से थोड़ा बाहर गए थे और फिर दोबारा स्टेशन पर आकर हम लोगों ने काफी सारे फास्ट ट्रेन एक्शन को कैप्चर किया था और फिर स्टेशन मास्टर के साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया था कि जिसमें खाने के दौरान ही 16 डाउन कराची एक्सप्रेस ने बहुत कमाल की एंट्री मारी थी। तो कराची से लेकर मीटिंग रेलवे स्टेशन तक शाह लतीफ एक्सप्रेस का ट्रेन जर्नी और मीटिंग रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग का पार्ट वन, इन दोनों वीडियोस के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चले अब मीटिंग रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग के इस पार्ट टू को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और अब से कुछ ही देर में 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पहुंचने वाली है मीटिंग रेलवे स्टेशन पर। तो ये फाइनली मेरे सामने से आ रही है इस्लामाबाद और कराची दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। जी दोस्तों, तो कैसी लगी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की स्पीड, कमेंट में मेंशन करना ना भूलिएगा। दोस्तों खाना खाने के बाद स्टेशन स्टाफ ने हमारे लिए चाय भिजवाई जो कि बिल्कुल खालिस दूध की थी, वरना कराची में तो खालिस दूध बहुत कम जगहों पर ही पाया जाता है। खैर फिर बात कहीं और निकल जाएगी, चलें अब रेल फैनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मेरे सामने से आ रही है पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। और इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 3:15। ट्रेन काफ़ी लेट है और इसकी वजह यही है कि पंजाब में काफ़ी फॉग पड़ रही है। HJ-MHRD ट्रेन के लीड पर तो ये है कराची के शेर HJ-MHRD लोकोमोटिव। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो एक और फ्रेट ट्रेन आ रही है हमारे पास RGV लोकोमोटिव के साथ। RG245204 प्लस कंटेनर ट्रेन भी है। काफी लंबी ट्रेन
और अकेला आरजी खींचने वाला। तो देख रहे हैं आप कितना पावरफुल लोकोमोटिव है RG24, पुराना और पावरफुल। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ट्रैक का सिग्नल ग्रीन हो चुका है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेट यहाँ पर पहुँच रही है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस। टाइम हुआ है 4:25। तो ये आ गई 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस बिल्कुल मेरे सामने, साथ ही सीधे हाथ की तरफ घूमते हुए टर्बाइन्स आपको दिख रहे हैं जो कि बिजली बनाने में मसरूफ हैं बेचारे। दिन रात बहुत मेहनत करते हैं ये टर्बाइन्स बिजली बनाने में। स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है, 9042। तो ये थी 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस जियो 49042 के साथ, जो कि ज़्यादा तेज़ तो नहीं गई लेकिन फिर भी अच्छी स्पीड में थी। जी दोस्तों, तो पाकिस्तान एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे पीछे ये आ रही है कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस GU20 ट्रेन की लीड पर। के साथ जा रही है आज की 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। तो सूरज गुरूब होने का मंजर काफी हसीन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक अपनी छोटी सी टिकटॉक भी बना लेता हूँ। तो दोस्तों, अप साइड में आ रही है 41 अप कराकरम एक्सप्रेस और ठीक इसी वक्त डाउन साइड पर आ रही है 44 डाउन शाहन एक्सप्रेस, यानी कि AG30 डाउन में आ रहा है और GU40 अप में आ रहा है। तो देखते हैं कौन सी पहले पहुंचती है। तो ये AG30 धूल मट्टी उड़ाते हुए ये है AG30 और AG30 की पावर। ऐसे ही नहीं, ये मेरा फेवरेट इंजन है। और अब ये आ गई 41 अप कराकरम एक्सप्रेस GU40 के साथ
और साथ ही बताता चलूं कि AG30 अब तक सबसे बेस्ट गुजरा है पूरा दिन में। अब कराकरम एक्सप्रेस काफी स्लो अप्रोच कर रही है। सिग्नल्स रेड है, रुकेगी ट्रेन। तो 41 अप के लिए सिग्नल्स रेड हो चुके हैं, तो अब ट्रेन यहां पर रुकेगी। तो ये भी एक फास्ट एक्शन देखने को मिलता। लेकिन अब हम इसे नहीं देख पाएंगे। PLCD जा रही है। डाउन ग्रेडियंट होने की वजह से ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। ये हुई ना बात। GU409012 कराकरम एक्सप्रेस की लीड पर। पहचान लिया। तो ये एक हमारे सब्सक्राइबर ट्रेन में सफर कर रहे हैं। चारों CNR बिजनेस क्लास से कोचेस। स्टिल काफ़ी बेहतर रेक है ये कराकरम का, यानी कि काफ़ी सारे CNR कोचेस लगे हुए हैं। तो अगर आप सर्दियों में सफ़र करना चाह रहे हैं तो कराकरम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इकोनॉमिक क्लास में CNR कोचेस में बिल्कुल हवा नहीं आती और ये अच्छी तरह पैक होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कराकरम में काफ़ी सारे CNR के कोचेस लगे हुए थे, तो सर्दियों के लिए ये बेस्ट ट्रेन है इकोनॉमिक क्लास के लिहाज से भी। तो दोस्तों, हम तो इसी उम्मीद में थे कि शाह हुसैन के जाने के बाद हमारी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जिसमें हम वापस कराची जाएंगे वो आ जाएगी, लेकिन उससे पहले एक और फ्रेट ट्रेन आ गई है डाउन लाइन पर। सूरज गुरूब हो चुका है। GU40903
240 और साथ में था KCR का लोकोमोटिव यानी कि GMU-15। जी दोस्तों, तो ये था हमारा ट्रिप मीटिंग रेलवे स्टेशन पर के जिसमें हमने पूरा दिन रेल फैनिंग की है। और आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये आ रही है 152 डाउन शाह लतीफ एक्सप्रेस, वही ट्रेन है जिसमें हम सुबह आए थे और अब हम इसी ट्रेन में वापस जाएंगे। तो चले अराइवल दिखाते हैं। HGMU-38207 वही जो सुबह यहाँ से लेकर गया था शाह लतीफ को। जी दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्द ही मेरी आने वाली नई वीडियोस में बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।